प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? पीएसपी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमेशा की तरह आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रभात ज्ञानकोश के डेली न्यूज़ एनालिसिस में भारत और विश्व का करंट अफेयर्स लेकर के हम प्रतिदिन आपके बीच में हाजिर होते हैं। आज की जो हमारी पहली महत्वपूर्ण खबर है वो सौर गठबंधन से संबंधित है, ठीक है, जिसको अपन लोग अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसको अपन ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इनिशिएटिव लेने के बाद में विश्व के अंदर सौर ऊर्जा और सौर ऊर्जा के अंदर जो असीम संभावना है उसको लेकर के पूरे विश्व का एक सोलर अलायंस के निर्माण और उसके गठन की प्रक्रिया जो शुरू की गई, उसके तहत 100वां पूर्ण सदस्य किसे बनाया गया है? पेराग्वे। पेराग्वे एक ऐसा देश है जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बनने वाला 100वां देश बन गया है, ठीक है। तो इसके कितने सदस्य हो गए? 100, और 100वां सदस्य कौन सा देश बना है? पेराग्वे बना है। और उससे पहले 99वां जो सदस्य 99 जो सदस्य बना था वो कौन सा देश था? स्पेन था। कौन सा देश था? स्पेन था। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्तमान में पूर्ण सदस्य देश 100 हैं और 100वां सदस्य देश कौन सा बना? पेराग्वे बना। उसके बाद में आज की अगली खबर की तरफ हम लोग रुख करना चाहेंगे। ये झारखंड से संबंधित है और झारखंड में भारत की पहली कोयला गैसीकरण पायलट परियोजना शुरू की गई है। तो भारत सरकार के स्वामित्व वाली कोल इंडिया लिमिटेड है ना, तो कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा उसकी सहायक कंपनी ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने, कौन सी कंपनी? ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने झारखंड के जामताड़ा जिले में कस्ता कोयला ब्लॉक में, तो झारखंड के कौन से राज्य में? झारखंड। और झारखंड का जो ब्लॉक था उस ब्लॉक का नाम क्या है ना, यानी कि झारखंड का जिला है जामताड़ा और उसमें कस्ता कोयला ब्लॉक में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है। कोयला खदान से नहीं निकाला जाएगा और कोयला गैसीकरण प्रक्रिया खदान के अंदर ही होती है और होगी, ठीक है। तो यदि परियोजना सफल होती है तो ये भारत के ऊर्जा के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी अवसर पैदा करेगी जो देश के कोयला संसाधनों के सतत और कुशल उपयोग को प्रदर्शित करेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से भारत की पहली कोयला गैसीकरण पायलट परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? झारखंड में, है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे इस चीज़ को कि कोयला जो है वो भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए पायलट परियोजना है जिसमें कोयला खदान से नहीं निकाला जाएगा और कोयला गैसीकरण प्रक्रिया खदान के अंदर ही होगी। अगला जो महत्वपूर्ण खबर है वो CAG से संबंधित है। CAG भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो CAG ने ऐतिहासिक चैडविक हाउस में 164 वर्षों में पहला संग्रहालय खोला। भारत के CAG यानी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने शिमला के अंदर चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया है। यह संस्थान की समृद्ध विरासत और राष्ट्र के शासन में योगदान के संरक्षण और उत्सव में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने शिमला में चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है वो देखते हैं तो चैडविक हाउस जो है ना, तो ये हम लोग देखते हैं इसमें, और उनका नाम क्या है? CAG का नाम श्री गिरीश चंद्र मुर्मू है। अब फिर हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो चीन चंद्रमा के सुदूर भाग से चट्टान लाने वाला पहला देश बन गया है। चीन ने चंद्रमा के सुदूर भाग से चंद्रमा की मिट्टी से भरा एक कैप्सूल धरती पर उतारा जिससे चंद्रमा और सौर मंडल के अन्य भागों का पता लगाने के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम में नवीनतम सफलता प्राप्त हुई है। तो चंद्रमा के सुदूर भाग से चट्टानें निकालने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो वो पहला देश कौन सा बना है दोस्तों? चीन ऐसा पहला देश बना है। आज की जो अगली खबर है वो फ्रीडम एज से संबंधित है। किससे संबंधित है? फ्रीडम एज, ठीक है। और ये जो फ्रीडम एज है ये क्या है? तो ये फ्रीडम एज जो एक त्रिपक्षीय अभ्यास है। कितना अभ्यास? कौन सा अभ्यास है? त्रिपक्षीय अभ्यास, है ना। और ये जो त्रिपक्षीय अभ्यास है ये अभ्यास किसके द्वारा किया गया है? तो एक तो देश है आपके दक्षिण कोरिया, ठीक है। कौन सा देश है? दक्षिण कोरिया। उसके बाद दूसरा देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद तीसरा देश कौन सा है? जापान। इन तीनों देशों ने मिल करके और फिर जो है उत्तर कोरिया के खतरों से निपटने के लिए सुरक्षा सहयोग को
जो है वो गहरा करने के प्रयासों के बीच दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान ने हाल ही में जो है वो पहला त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास शुरू किया है। और इस त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास का नाम क्या है? फ्रीडम एज। इसका क्या नाम है? फ्रीडम एज। तो उत्तर कोरिया से खतरों के खिलाफ सुरक्षा सहयोग को गहरा करने के प्रयासों के बीच दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के बीच हो रहे त्रिपक्षीय अभ्यास का नाम क्या है? तो उस त्रिपक्षीय अभ्यास का नाम क्या है? इसका नाम है फ्रीडम एज। इस त्रिपक्षीय अभ्यास का क्या नाम है? तो इसका नाम है फ्रीडम एज। इसके बाद में अपन लोग बात करते हैं स्पेस एक्स की। तो स्पेस एक्स को 2030 में ISS को डी ऑर्बिट करने के लिए नासा से $843 मिलियन का अनुबंध मिला है। ये स्पेस एक्स जो है वो एक निजी अंतरिक्ष कंपनी है जो एलन मास्क की है। तो एलन मास्क की स्पेस एक्स ने 2030 में अपने परिचालन जीवन की समाप्ति के बाद नियंत्रित तरीके से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है ना, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को सुरक्षित और जिम्मेदार तरीके से डी ऑर्बिट करने की तैयारी के लिए नासा से $843 मिलियन का अनुबंध मिला है। ठीक है, तो 2030 में अपने परिचालन जीवन की समाप्ति के बाद नियंत्रित तरीके से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के सुरक्षित और जिम्मेदार डी ऑर्बिट की तैयारी के लिए नासा को 843 मिलियन का अनुबंध किससे मिला है? स्पेस एक्स के साथ मिला है, है ना। अनुबंध किसे मिला है? ये अनुबंध मिला है स्पेस एक्स, जो कि एक निजी अंतरिक्ष कंपनी है। और ये कंपनी किसकी है? एलन मास्क की है। और उसने नासा के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। $843 मिलियन का अनुबंध उसको मिला है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगली खबर फ्लिपकार्ट से संबंधित है। और फ्लिपकार्ट ने अपना खुद का एक पेमेंट ऐप बनाया है जिसका नाम क्या है? सुपर मनी। फ्लिपकार्ट ने खुद का एक पेमेंट ऐप बनाया है और उस पेमेंट ऐप का नाम क्या है? तो इसका नाम है सुपर मनी। तो भारतीय ई कॉमर्स दिग्गज फ्लिपकार्ट ने अपना खुद का पेमेंट ऐप लॉन्च करना शुरू कर दिया है जिसे सुपर मनी नाम दिया गया है। यह फोन पे से अलग होने के 1.5 साल से भी ज़्यादा समय के बाद अपनी फिनटेक महत्वाकांक्षी योजनाओं को व्यापक बना रहा है। ठीक है, तो वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट द्वारा फोन पे से अलग होने के 1.5 साल से भी ज़्यादा समय बाद अपनी फिनटेक महत्वाकांक्षी योजनाओं को व्यापक बनाने के लिए शुरू किए गए भुगतान ऐप का नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है सुपर मनी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत के संतोष सुवर्णा ने अपना दूसरा वर्ल्ड सीरीज ऑफ पॉकर खिताब जीता है ना। तो भारत के पॉकर के उस्ताद माने जाने वाले, उनका नाम क्या है? उनका नाम है संतोष सुवर्णा। क्या नाम है? संतोष सुवर्णा। और संतोष सुवर्णा किसके उस्ताद माने जाते हैं? पोकर के उस्ताद माने जाते हैं। तो संतोष सुवर्णा ने वर्ल्ड सीरीज ऑफ पोकर WSOP में अपना दूसरा ब्रेसलेट जीतकर और 45 करोड़ रुपए से अधिक की रिकॉर्ड पुरस्कार राशि लेकर के इतिहास रच दिया है। तो प्रश्न क्या बनेगा? किस भारतीय पोकर मास्टर ने, संतोष सुवर्णा ने वर्ल्ड सीरीज ऑफ पोकर में अपना दूसरा ब्रेसलेट जीतकर 45 करोड़ रुपए से अधिक की रिकॉर्ड पुरस्कार राशि लेकर इतिहास रच दिया है? अगली जो महत्वपूर्ण खबर है वो क्रिकेट से संबंधित है। और श्रीलंका क्रिकेट के कोच, जिनका नाम क्या है? क्रिस सिल्वरवुड। ये श्रीलंका क्रिकेट के कोच हैं जिनका नाम क्या है? क्रिस सिल्वरवुड। और क्रिस सिल्वरवुड ने जो है अपन लोग जो देखते हैं तो उन्होंने अपने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए पद से इस्तीफा दे दिया है। श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के मुख्य कोच, उनका नाम क्या है? क्रिस सिल्वरवुड। उन्होंने जो है वो व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए पुरुष टीम के कोच की भूमिका से जो है वो अपना इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, और उसी प्रकार से जब अपन लोग देखते हैं तो यहाँ पे दूसरी ओर श्रीलंका के पूर्व कप्तान महेला जयवर्धने, ये महेला जयवर्धने हैं और उन्होंने भी टीम के सलाहकार कोच के पद से भी इस्तीफा दे दिया है। अब फिर हमारी जो अगली खबर है वो संबंधित है, एक लेखन से संबंधित है। और ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये चित्र, ये फोटो जो दिख रहा है वो किसका है? ये है अरुंधति राय, बुकर पुरस्कार विजेता अरुंधति राय, जो कि एक लेखिका है। और अरुंधति राय को उनके अडिग लेखन के लिए UK का, है ना, यूनाइटेड किंगडम का पेन पिंटर पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? UK का पेन पिंटर पुरस्कार।
और यूके का पेन पिंटर पुरस्कार किसको मिल रहा है? अरुंधति राय को मिल रहा है ना। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि बुकर पुरस्कार विजेता लेखिका अरुंधति राय को उनके अडिग लेखन के लिए प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। और ये पुरस्कार जो है पेन पिंटर पुरस्कार यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड या राष्ट्रमंडल में रहने वाले उत्कृष्ट साहित्यिक योग्यता वाले लेखक को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है, जो हैरोल्ड पिंटर के साहित्य में नोबेल पुरस्कार भाषण के शब्दों में दुनिया पर एक अडिग नज़र डालता है ना। तो यूके में रह रहा हो, आयरलैंड में रह रहा हो, अथवा राष्ट्रमंडल देश है ना, जो कभी यूनाइटेड किंगडम के अधीन थे, उन देशों में रहने वाले किसी भी एक व्यक्ति को जो है वो पेन पिंटर पुरस्कार दिया जाता है। और ये 2024 का पुरस्कार किसको दिया गया है? अरुंधति राय को दिया गया है। तो भारत की इस प्रकार से अरुंधति राय को उनके अडिग लेखन के लिए यूके का पेन पिंटर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अब फिर हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो पर्सन ऑफ द डे की बात करते हैं। तो आज पर्सन ऑफ द डे में मुथु लक्ष्मी रेड्डी की बात हम लोग करेंगे। ये मुथु लक्ष्मी रेड्डी हैं जो कि तमिलनाडु से संबंधित हैं, ठीक है। और उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए अपना पूरा जीवन होम कर दिया। सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए पूरा जीवन इन्होंने होम कर दिया। और जब अपन लोग देखते हैं तो इन्होंने जो है वो मद्रास विधान परिषद के सदस्य के रूप में लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाने में मदद की। एक तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद में इन्होंने देवदासी लड़कियों को आश्रय देने और शिक्षित करने के लिए अव्वई होम की स्थापना की। किसकी स्थापना की? अव्वई होम की स्थापना की। उनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। तथा तमिलनाडु सरकार ने राज्य के सरकारी अस्पताल में हर साल उनकी जयंती को अस्पताल दिवस के रूप में मनाएगी। तो तमिलनाडु सरकार जो है वो राजकीय अस्पताल जितने भी हैं उसमें उनकी जयंती जो है उसको किस रूप में मनाएगी? अस्पताल दिवस के रूप में मनाएगी। किस दिवस के रूप में मनाएगी? अस्पताल दिवस के रूप में मनाएगी। और उनको कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? उनको जो है वो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। आज की जो हमारी अगली महत्वपूर्ण मैप ऑफ द डे है उसमें आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर जो है वो ये जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के अंदर जब अपन लोग देखते हैं तो यहाँ पर श्रीनगर, ठीक है। तो श्रीनगर जो है उसको हाल ही में श्रीनगर विश्व शिल्प परिषद द्वारा विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया है। तो विश्व शिल्प परिषद द्वारा विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त, विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त देश का चौथा शहर कौन सा बन गया है? श्रीनगर बन गया है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा शहर है तथा यह ग्रीष्मकालीन राजधानी है जो एक भारतीय प्रशासित केंद्र शासित प्रदेश है ना। तो वर्तमान में भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है कौन? जम्मू कश्मीर, और उसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। तो झेलम नदी के किनारे और डल झील, तो ये झेलम नदी के किनारे जो है वो श्रीनगर बसा हुआ है। और श्रीनगर को विश्व शिल्प परिषद द्वारा विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, ठीक है। अब फिर हम लोग जब देखते हैं, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी तो श्रीनगर है, ठीक है, और शीतकालीन राजधानी कौन सी है? तो जम्मू है, जिसे जो है शीतकालीन राजधानी बनाया गया है। तो यहाँ पे ये जम्मू है वो शीतकालीन राजधानी है, ठीक है, और श्रीनगर जो है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी है। अब हम लोग बात करेंगे राजस्थान जीके के बारे में। राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, किसी एक टॉपिक के प्रश्न हम आपसे साझा करते हैं। और आज के जो है टॉपिक है वो संगीत से संबंधित है, वाद्य से संबंधित है। किस राजा ने संगीतज्ञों व विद्वानों को दरबार में आश्रय दिया जिसे गंधर्व बाईसी कहा जाता था? सवाई प्रताप सिंह ने, जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह, जिन्होंने अपने यूं कह सकते हो साम्राज्य में संगीतज्ञों और विद्वानों को अपने दरबार में आश्रय दिया, जिनको गंधर्व बाईसी के नाम से जाना जाता था। रागमाला और रागमंजरी संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन है? तो पुंडरीक विट्ठल है, जिन्होंने रागमाला और रागमंजरी लिखा। कत्थक का सबसे प्राचीन घराना कौन सा है? तो जयपुर है। मोरचंग किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? तो ये सुशीर वाद्य यंत्र है। मोरचंग कैसा वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र है। सहरिया जनजाति जो है उसकी कुलदेवी कौन है? तो कोड़िया देवी को सहरिया जनजाति की कुलदेवी के रूप में जाना जाता है, उनकी पूजा की जाती है। राजस्थान में सहरिया जनजाति कहाँ निवास करती है? तो ये आपके किशनगढ़ और शाहबाद में निवास करती है। किशनगढ़ और शाहबाद है ना, बारह की पंचायत समितियाँ हैं किशनगढ़ और शाहबाद, वहाँ पर जो है वो सहरिया जनजाति निवास करती है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी लोगों द्वारा जो खेती की जाती है
है ना, जिसको अपन लोग स्थानांतरणशील कृषि के नाम से जानते हैं, वो कृषि कौन सी है, चीम आता है ना। तो इस प्रकार से आदिवासी लोगों द्वारा दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में जो कृषि की जाती है उसको क्या कहते हैं, चीमाता कहते हैं। उसके बाद में राजस्थान की वह जनजाति जिसमें धारी संस्कार का विशेष प्रचलन है, तो वह जनजाति कौन सी है, सहरिया जनजाति है। मनखारों मेलों का संबंध किससे है, मनुष्यों का मेला गरासियों से संबंधित है, जहाँ पे मनखो का मेला में ये जो गरासिया जनजाति के लोग हैं वो अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं। दामोर जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवास करती है, तो ये डूंगरपुर जिले में निवास करने वाली जनजाति है। उसके बाद भारत सरकार के आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल राजस्थान की एकमात्र जनजाति कौन सी है, तो वो सहरिया है, जो भारत सरकार के आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल राजस्थान की एकमात्र जनजाति सहरिया जनजाति। इस प्रकार से हमने आज यहाँ पर संगीत और जनजाति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को आपके साथ में रखा है। हम इसमें कुछ अमेंडमेंट करते जा रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत और विश्व के करंट अफेयर के साथ में ही हम लोग इसमें पर्सन ऑफ द डे, ठीक है, मैप ऑफ द डे और राजस्थान के किसी एक टॉपिक पर महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की चर्चा करते हैं। उम्मीद है हमारे ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। आप सभी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुक्रिया।